हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि गाँव में देसी स्टाइल से चटनी कैसे बनाई जाती है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है और बड़े आसान तरीके से बनती है। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं उसके लिए 5 से 6 अखरोट, हरा पुदीना, एक बावल दही, टमाटर जिनको हमने भून के रखा है आग पे, इनको हमने अब ये ब्लैक कलर का सारा निकाल देना है। हमने 2 मूलियाँ ली हैं जिनको हमने अच्छे से काट लिया है, एक मीडियम साइज प्याज लिया है जिसको हमने काट लिया है, और हरा धनिया हमने लिया है। तो इसको अब हमने कूटना है चट्टू में। सबसे पहले हम मूली लेंगे, ताकि एक कूटने में थोड़ी सख्त होती है, सबसे पहले हम मूली को अच्छे से कूटेंगे। इनको हमने अच्छे से बारीक करके कूटना है। मूलियों को हमने अच्छे से बारीकी से कूट लिया है, अब हम इनको निकालेंगे, एक बर्तन में रख लेंगे। तो अब हम प्याज कूटेंगे, प्याज को भी हमने अच्छे से कूट लिया, अब हम इनको भी निकाल के रख देंगे। अब हम धनिया कूटेंगे, अब आप देख सकते हैं धनिया को भी हमने अच्छे से कूट लिया है, इसको भी हम निकाल देंगे। अब हम पुदीना डालेंगे, अब हम इसको कूटेंगे। हमने इनको एक एक करके कूटा, क्योंकि ये सब हम इकट्ठा नहीं कूट सकते थे। ये हमने पुदीना भी कूट लिया है, इसको भी हम निकाल के रखेंगे। अब हम अखरोट कूटेंगे, अब हम डालेंगे हरी मिर्च जो हमने 8 से 10 ली है, और इसमें करेंगे ऐड हम सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक। अब इनको हम अच्छे से कूटेंगे। हरी मिर्च हमने यहाँ ज़्यादा ली है, चटनी जितनी तीखी हो उतनी अच्छी बनती है, उतना स्वाद आता है चटनी में, इसलिए हमने यहाँ हरी मिर्च ज़्यादा ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हो। मिर्च को भी हमने अच्छे से कूट लिया, आप देख सकते हैं, को भी हम पहले निकाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो हम आहिस्ता आहिस्ता देंगे, नहीं तो ये सारा बाहर निकल जाता है। टमाटर को भी हमने अच्छे से कूट लिया। अब हम ये जो सारी चटनी है हमने कूट के रखी है, इसको हम चट्टू में डाल देंगे, और इसको यहाँ हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरी मिक्स हो जाए उसके बाद हमने इसमें दही भी ऐड करना है। अब आप देख सकते हैं चटनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा दही ऐड करेंगे जो हमने 1 कटोरी लिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, चटनी जो है बहुत ही टेस्टी होती है, और चट्टू में जो कूटी होती है उसका टेस्ट ज़्यादा ही आ जाता है और अलग सा टेस्ट आता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे इसी तरीके से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।